फलूदा की सेवियाँ या नूडल्स बनाने में सबसे पहले हमने ये चीज़ें जो रेडी रखी हैं, एक प्याले के अंदर हमने आइसक्रीम, क्योंकि वो जब तैयार हो जाएगा बैटर तो फिर हमारे पास टाइम नहीं है, इसमें फिर हम बाद में पानी डाल देते हैं। अभी हमने आइस क्यूब्स डाल के ये साइड पे कर दिया। और दूसरा इम्पॉर्टेंट काम हमने क्या करना है कि जो हमारा मोल्ड है, मेरे पास तो ये जो सेवियाँ बनाने वाला जो है वो नूडल्स तैयार करने वाला सांचा है, अगर आपके पास ये ना हो तो आपने जो है वो किसी भी जिप लॉक बैग में या जो कोई भी बॉटल है उसमें होल करके वो तैयार कर लेना। अब इसकी मुख्तलिफ जालियाँ होती हैं, मैंने ये वाली जाली और थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा दिए पूरे सांचे पे, इसको मैं सेट करके रख दूँगी क्योंकि जब हम बिल्कुल वो तैयार हो जाएगा हमारा बैटर तो ये टाइम नहीं होगा। अब इसको भी मैंने तैयार करके रख दिया। ये पैन मैंने ले लिया, कोशिश ये करें कि जिसका तला थोड़ा मोटा हो। इसमें हमने 1.5 कप पानी डाल दिया और 1/2 कप हमने कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च या अरारोट पाउडर जो भी आप उसको कहें वो, और हमने यहाँ पे 1.5 चम्मच चीनी डाल दी है, ये टेबलस्पून मैंने डाली। अब हम इस सारे को मिक्स कर लेते हैं। जब आप देखें कि नीचे आपको बिल्कुल क्लियर फील हो रहा है, कहीं पे भी आपकी विस्क रुक नहीं रही है, अब हम इसको हीट पे रख के पकाएंगे। सेवियाँ बिल्कुल तैयार है मेरे पास। इसके अलावा हमें क्या करना है कि ये जो ब्लैक सीड्स होते हैं तुख मलंग, ये 2 टेबलस्पून लेके और उसमें मैंने पानी डाल दिया, इसको भिगोए हुए 15 मिनट तकरीबन हो चुके हैं, अब ये इस तरह से फूल गए हैं। इसके अलावा जो हमें चाहिए वो आइसक्रीम है, मैंने यहाँ पे वनीला एंड स्ट्रॉबेरी मिक्स वो आइसक्रीम ले ली है। अब हम इसको असेंबल करने का काम शुरू करते हैं।